मीडिया के मेरे मित्रों साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नवी पी ट्वेंटी G20 देशों की संसदों का एक सम्मेलन 12, 13, 14 अक्टूबर को नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट, एक विदेश कमेटी के चेयरमैन, आईपीयू के अध्यक्ष जो संसद की इंटरनेशनल बॉडी है, और 50 से ज्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। P20 सम्मेलन में अभी तक जितनी P20 सम्मेलन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी इस सम्मेलन में हुई है, उसके लिए G20 के सभी देश और आमंत्रित देश के पीठासीन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भारत की संसद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वो आमंत्रित हैं, और विशेष रूप से यहां पर कई विषयों पर चर्चा और संवाद करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं नीति कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहां पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है, और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसीज कानून बनाने में सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके। इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। संसदीय ये भी अपेक्षा करती है कि वैश्विक स्तर पर एक समतापूर्ण न्यायपूर्ण शासन की, समाज की स्थापना हो, इसके लिए भी समय समय पर संसदें अपनी देश की संप्रभुता पर विचार करती है और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है।
इन दो दिवसीय सम्मेलन के पूर्व हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की 12 तारीख अक्टूबर को भी इस पर चर्चा होगी। कुछ एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे और जो स्पीकर्स आएंगे उसके फोरम के अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, डिप्टी स्पीकर आएंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर जीवन शैली पर एक नया दृष्टिकोण दिया है और ये दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सबने माना है। इससे संसद के प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र का विषय हमने लोकतंत्र की शक्ति, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र हमारी ताकत है, सामर्थ्य है, दुनिया में लोकतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये लोगों ने माना है। इससे हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है कि हम लोकतंत्र की शक्ति पर उद्घाटन सत्र पर इसके कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसमें कुल 4 सत्र होंगे। प्रथम सत्र के लिए एसडीजी के लिए एजेंडा 2030, एसडीजी के विषयों पर सभी संसदों पे वहां की भौगोलिक, वहां की आर्थिक, वहां की सोशल स्थितियों के अनुसार समय समय पर व्यापक चर्चा होती थी। भारत की संसद ने भी एसडीजी के विषयों पर कई बार लंबी चर्चा की है और जब एसडीजी के विषयों पर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का विषय आता है तो जो अपनी अपनी संसदों में चर्चा संवाद होता है उसका कैसे सामूहिक समाधान निकाल सकते हैं इस पर भी डिटेल चर्चा होती है। इसलिए विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर प्रथम सत्र पर चर्चा होगी। द्वितीय सत्र पर एक पृथ्वी सतत ऊर्जा में ट्रांजिशन हरित भविष्य की ओर, आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, भारत इस पर नेतृत्व कर रहा है और इसलिए उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऊर्जा में हरित कैसे ला सकते हैं, क्लीन एनर्जी कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयास क्या होने चाहिए, इस पर भी इस विषय पर चर्चा होगी। तृतीय सत्र है एक परिवार लेकिन समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला विकास से महिला नेतृत्व में विकास की ओर। भारत दुनिया का वो देश है जहां पर हमने आजादी के बाद हमारे संविधान में हमेशा लैंगिक समानता की बात की है, मतदान का विषय हो तब भी हमने आजादी के बाद पहले मतदान में ही सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया। ये भारत के संविधान से दुनिया के कई लोगों ने लिया। दुनिया के ऐसे भी देश हैं जहां वर्षों आजादी के बाद चुनाव में लोगों ने सबको मताधिकार दिया, लेकिन भारत का संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने इस पर विशेष रूप से लैंगिक समानता, धर्म की समानता, इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया था और इसका ही कारण है कि आज हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 14 अक्टूबर को जो 14 सत्र होगा, चौथे सत्र में एक भविष्य सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा लोगों की जीवन में आमूलचूल परिवर्तन, इन चारों विषयों पर आज भारत की दिशा में एक अच्छा काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया में और देशों ने जहां जहां भी काम किया उनसे दुनिया में जिन्होंने और अच्छा काम किया है उनसे भी अनुभव लेते हैं, लेकिन भारत आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तीव्र गति से बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम और इसकी तीव्र गति से काम करेंगे। इस पे जो संसदों के विचार होते हैं और जिन जिन संसदों ने इस पर चर्चा की, संवाद किया है, उनके अनुभव विचारों को साझा किया जाता है। इस तरीके 4 सत्रों पर चर्चा होगी, विशेष रूप से क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो वैश्विक विषय है जिस पर हर बार चर्चा होती आई है। मुझे लगता है इस विषय पर गहन अध्ययन होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और वर्तमान, इन विषयों पर भी अनौपचारिक औपचारिक रूप पर हम विचार रखेंगे। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वैश्विक स्वास्थ्य पर समय समय पर भारत ने नई चुनौतियों का समाधान दुनिया को दिया है। मुझे आशा है कि इस देश में
हम और इस दिशा की ओर काम करेंगे। मैं विशेष रूप से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप समय समय पर संसद संसद की कार्रवाई, उनकी गतिविधियां समय समय पर आप देश की जनता को अवगत कराते रहते हैं। इसलिए ये P20 सम्मेलन भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, उसके बाद इंडोनेशिया में भारत को P20 की अध्यक्षता भी मिली है। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि अभी तक जितने सम्मेलन हुए उसमें सबसे ज़्यादा उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। ये G20 की सफलता का ही श्रेय है। और उसके बाद हम साझा रूप से जो चर्चा संवाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसका एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। धन्यवाद।